आम सहित जूम्रे दीपक कुमार दुबे भारत सुटिंग कोच एवं हाई परफॉर्मेंस मैनेजर साइर जोड़ी होती। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। और अभी भी शूटिंग में होप सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज अगर देखें तो पहले जो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन 12th पोजीशन पर रहे संदीप और एल्बेनिल का जो जोड़ी है, और रमिता जिंदल और बबूता जो उनका जोड़ी है एक पॉइंट से पीछे रह गया और क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए फाइनल के लिए। निराशा हाथ लगी पहले दिन? यार थोड़ा मायूस तो पूरा हिंदुस्तान हुआ है ये इनके खेल को लेके, क्योंकि जो तैयारियां हैं इनकी वर्ल्ड बेस्ट थी। और जब इनके यहाँ पे तैयारी हो रही थी तो ये स्कोर 634-635 का एवरेज स्कोर दे रहे थे, तो उम्मीद ये थी कि फाइनल तो हमारे लिए इजी है। और चूंकि ओलंपिक एक हाई प्रेशर इवेंट होता है, और ऐसा नहीं है खिलाड़ियों ने मेहनत नहीं करी या कोचेज ने या SPD ने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया होगा, जाहिर सी बात है कि हर चीज योजना के तहत जो है वो चीज की गई होगी। अब थोड़ा सा एक पॉइंट का जो लैग रहा उसका दुख ज्यादा है कि अगर हम फाइनल में आते तो बेस्ट रिजल्ट और होता और आज के पहले दिन ही हमारी झोली में पदक होता। लेकिन एक आदमी में सकते हैं कि एक तैयारी हो गई, एक ट्रेनिंग हो गई, और अभी इनके इंडिविजुअल इवेंट है और उसमें बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। जी अभी भी जो लाइव अपडेट आ रहा है 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स क्वालिफिकेशन को लेकर, मनुभाकर अभी 4th पोजीशन पे है, तो उम्मीद है वो मनुभाकर से अभी 4th पोजीशन में चल रही है 97 पॉइंट्स के साथ। जी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मनुभाकर को एक्सपीरियंस है पिछले ओलंपिक का, टोक्यो 2020 में भी उन्होंने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी पिस्टल में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से उनको निराशा हाथ लगी थी। लेकिन उन्होंने वो बाउंस बैक किया और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया इस खेल के लिए, उन्होंने कोटा लेके और ट्रायल में भी जब इंडिया में ट्रायल हो रहे थे उसमें भी अपना बेहतर प्रदर्शन करके उन्होंने टीम में जगह बनाई, तो पूरे देश की उम्मीद है। और मनु भाकर इटसेल्फ एक फाइटिंग फाइटिंग शूटर हैं और गिवअप नहीं होने देंगी, और उम्मीद है कि आज वो फाइनल में जगह बनाएंगी। जब पिछली बार हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एशियन गेम्स में भारत ने अच्छा किया था, शूटिंग में बहुत सारे पदक लिए थे, तो इस बार ओलंपिक्स में आपको क्या उम्मीद है? 21 जन का हमारा जो शूटिंग के प्लेयर से कितना मेडल हम होप कर सकते हैं, क्योंकि चुनौती तो काफ़ी बड़ा है। जी चुनौतियों में ही तो जीत सुनिश्चित होती है, और कहते हैं कि तैराक तो वही होता है जो विपरीत दिशा में तैरे, और हमारे खिलाड़ी तैयार भी हैं उस चीज़ के लिए। हमने पूरे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, इवन गवर्नमेंट ने, IO ने, सभी ने मिलकर हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया है, और मैं ये कहूँगा कि पदक तो सुनिश्चित करेगा शूटिंग से। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।